Hello everyone, I am Yogesh Patil. I scored All India rank 231 in CSC 18 and I scored 325 marks in anthropology. So while studying anthropology, I identified some patterns. जो मैं करता था पढ़ाई तो मैंने सारे टॉपिक्स जो पेपर वन के हैं उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किए थे. तो द रीज़न बिहाइंड आई गेटिंग 164 मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी पेपर वन इज़ यूजिंग दिस स्ट्रक्चर्स वाइल राइटिंग द आंसर्स. जो मैं ये स्ट्रक्चर यूज़ करता था. ऑल्सो हम ये भी देखेंगे आज के लेक्चर में कि वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे डायग्राम्स निकाल सकते हैं. तो सारे जो अपने टॉपिक्स है पेपर वन के, तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज सोशल पार्ट, जो टॉपिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है. देन फिजिकल टॉपिक नंबर 9, 10, 11, 12 है. तो ये सारे टॉपिक्स है उसमें. तो हम ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके एक आंसर्स कैसे लिख सकते हैं, तो ये आज हम देखेंगे. द रीज़न बिहाइंड दिस फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर इज इट इज़ ऑल्सो ईजी टू रिमेंबर. हम रिमेंबर अच्छा कर सकते हैं. देन ऑल्सो हम अगर लिखते हैं तो भी हम अच्छा लिख सकते हैं. देन हम ये भी देखेंगे कि सोर्सेस क्या क्या रेफ़र करने हैं, मैंने कौन से सोर्सेस रेफ़र किए थे, ये भी हम देखेंगे. और जो अभी हम देखते हैं हमेशा कि ऑप्शनल में 300 से अधिक मार्क करना एक अभी इम्पॉर्टेंट हो गया है हम इसे प्रेस्टिजियस लिस्ट में आने के लिए. तो हम ये देखेंगे कि 300 मार्क्स 300 मार्क्स एंथ्रो में कैसे स्कोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे. तो हम टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे. तो पहला हमारा टॉपिक है रिलेवेंस स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ मीनिंग स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. तो इस पर एक क्वेश्चन आया था अभी जो हुआ मेंस का पेपर. फर्स्ट क्वेश्चन ही था व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. तो ऐसे 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन ये टॉपिक पे आते हैं. तो जब भी आप इंट्रो करना चाहे ऐसे क्वेश्चन का, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दीजिए डेफिनेशन. डेफिनेशन आप हरकोविट्स की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं. दैट इज़ द एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन इन स्पेस एज स्पेस एंड टाइम. ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं. द जो ऐसे ही स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे हर टॉपिक के, हम टॉपिक बाय टॉपिक पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे. तो बाकी सारे स्ट्रक्चर हम वाइट बोर्ड पे देखते हैं. अभी पहला हमारा टॉपिक आता है एंथ्रोपोलॉजी का. जैसे हमारे पेपर वन में 12 टॉपिक्स है, तो इसमें भी डिवीजन आता है. जैसे कुछ टॉपिक सोशल एंथ्रोपोलॉजी हम कह सकते हैं और बाकी टॉपिक हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कह सकते हैं. जैसे 9th टॉपिक है या 10th टॉपिक है, 11th है और 12th है, ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जाएंगे. तो हम सबके स्ट्रक्चर्स देखेंगे. तो जैसे हम 1.1 से चालू करेंगे. 1.1 हमारा सिलेबस का टॉपिक है मीनिंग स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. तो इसमें हम आंसर जो है डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं. जैसे इस टाइम पहला ही क्वेश्चन था व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमेशा रहते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं. तो इसमें एक ईजी स्ट्रक्चर हम ऐसे बनते हैं कि डेफिनेशन लिखिए आप एंथ्रोपोलॉजी की. जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो इंट्रो में ही डेफिनेशन आएगी. देन देर आर 4 ब्रांचेस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी. जो डेफिनेशन है एंथ्रोपोलॉजी की, जो आप हरकोविट्स की लिख सकते हो, जो हरकोविट्स ने डेफिनेशन दिए है एंथ्रोपोलॉजी की, तो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बन जाएगी. देन डेफिनेशन के बाद हमारा रहेगा कि एंथ्रोपोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं, एंथ्रोपोलॉजी के 4 जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस में ये जो ब्रांचेस है, 4 जो ब्रांचेस है उसका एक डायग्राम बनेगा. ब्रांचेस और ब्रांचेस किसने दी है, तो फ्रांस बोआस ने ब्रांचेस दी है. तो फ्रांस बोआस का जहाँ पे भी आप थिंकर का नाम मेंशन कर सकते हो, उनके बुक का नाम मेंशन कर सकते हो, वो जरूरी करना चाहिए. क्योंकि ये जो है ये स्पेसिफिक्स है जो आपके मार्क्स बढ़ाएगा, जो आपके आंसर्स को थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी लाएगा. ब्रांचेस जो दी है फ्रांस बोआस ने, जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, तो उस 4 ब्रांचेस हमारी है. लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, देन सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज़ देयर. सो ये हमारे डायग्राम बनेगी. देन उसमें मीनिंग स्कोप जो हमें ऐसे ही करना है, जो हम सिलेबस इसके लिए हमें याद रहना चाहिए. जो भी क्वेश्चन जैसे ही आता है तो हमें जल्दी से जल्दी पता लगना चाहिए कि वो जो क्वेश्चन है सिलेबस के कौन से पॉइंट से आया है. तो हम आंसर जो है बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि हम हेडिंग वही लेंगे. हमारा सिलेबस का टॉपिक पॉइंट नेम ही है मीनिंग स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. तो स्कोप लिखेंगे हम, स्कोप एंथ्रोपोलॉजी का क्या है. हम लिख सकते हैं कि हाउ एंथ्रोपोलॉजी हेल्प अस. जैसे हमारी जो 4 ब्रांचेस है,
चार ब्रांचेस का ही हम स्कोप लिख सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हमने कैसे कल्चर सीखा है. आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हेल्प अस टू लर्न आवर कल्चर, जो हमारा पास्ट था, जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है. आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जैसे इथनोग्राफी है उससे भी हम सीख सकते हैं. जैसे सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, सोसाइटी, कल्चर, मैरिज, फैमिली, किनशिप, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हमने वहाँ से सीखी है. देन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज देयर, जैसे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे जीन एडिटिंग है, नाउ क्रिस्पर कैस हैज़ कम, देन ये हम लिख सकते हैं जो स्कोप है, रिलेवेंस है आज जो हो रहा है. देन लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इज देयर, तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी से हम कैसे सोसाइटी, जैसे सोशो लिंग्विस्टिक जो उसकी एक ब्रांच है, तो हम इससे सीख सकते हैं कि सोसाइटी कैसी है. तो 10 मार्कर्स क्वेश्चन विल बी देयर, तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, ब्रांचेस लिखेंगे, उनका स्कोप लिखेंगे, देन डेवलपमेंट कैसी हुई है, डेवलपमेंट अगर हम मेंशन कर सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेंशन कर सकते हैं वो लिखेंगे, एंड देन वी विल कंक्लूड. तो हमारा ये 10 मार्क के लिए स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो यही हम लिखेंगे 10 मार्कर के लिए. तो ये हुआ हमारा टॉपिक फर्स्ट. देन 1.2 जो है रिलेशनशिप अदर डिसिप्लिन, जैसे बाकी डिसिप्लिन के लिए डिसिप्लिन के साथ एंथ्रो का क्या रिलेशन है. एंथ्रो का डिसिप्लिन के साथ डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि जैसे एंथ्रो का सोशल साइंसेस के साथ क्या है या बिहेवियरल के साथ क्या है, तो इसमें भी एक स्टैंडर्ड हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं. उसमें हम इंट्रो करेंगे, दोनों ब्रांचेस का कुछ अगर कॉमन हो तो हम लिख सकते हैं थोड़ा बहुत. देन उसमें बाद में डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन पहले तो एंथ्रो की आएगी, तो वहाँ पे भी हम हरकोविट्स की या कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो डेफिनेशन दी है तो हम लिख सकते हैं एंथ्रो की डेफिनेशन. देन जो क्या पूछा है कि रिलेशनशिप विथ अदर डिसिप्लिनस, अभी इसमें दोनों चीज़ आएंगी, अगर उन्होंने डिफरेंसेस पूछा है या नहीं पूछा है तो हम डिफरेंसेस लिखेंगे कि एंथ्रो और वो ब्रांच में व्हाट आर द डिफरेंसेस. डिफरेंसेस हम टेबल में लिख सकते हैं, टेबल बनेगा, ये एंथ्रोपोलॉजी और जो बाकी दो कोई भी ब्रांच होगी उसमें हम डिफरेंस लिखेंगे. जैसे अगर सोशल साइंसेस पूछते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी कैसे होलिस्टिक है, एंथ्रोपोलॉजी कैसे फील्ड वर्क पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, जो बाकी ब्रांचेस में थोड़ा सा एब्सेंट है, तो ये हम लिख सकते हैं डिफरेंसेस में. देन डिफरेंसेस के बाद सिमिलैरिटी भी लिखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी ब्रांचेस जो है सोशल साइंसेस में, तो थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा सा कुछ ओवरलैप होता है, सो देर मस्ट बी समथिंग विच इज़ सिमिलर बिटवीन द बोथ द ब्रांचेस, वो भी लिखेंगे हम. तो सिमिलैरिटी भी आएगी, इंट्रो आएगा, डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आएगी, देन डेफिनेशन ऑफ द, अगर हमें दूसरे कोई जैसे मेडिकल पूछा है या कोई पूछा है तो उसकी भी डेफिनेशन लिखनी चाहिए, देन डिफरेंसेस, देन सिमिलैरिटी, देन अगर उसमें कुछ ओवरलैपिंग है. ओवरलैपिंग कैसे होती है, जैसे समझो अभी अपना सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, उसका ओवरलैपिंग जो है सोशल साइंसेस के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है, क्योंकि एमाइल डर्कहाइम जो है ही इज़ अ सोशोलॉजिस्ट, लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो एमाइल डर्कहाइम, ही इज रेडक्लिफ ब्राउन इज अ स्टूडेंट ऑफ द एमाइल डर्कहाइम. तो सोशोलॉजिस्ट के जितने भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है उससे थोड़ा इंस्पायर होके जो कॉन्सेप्ट्स है एंथ्रोपोलॉजी में आए हैं, जैसे सोशल स्ट्रक्चर है जो रेडक्लिफ ब्राउन ने थ्योरी में दिया है, तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आई है. तो ये ओवरलैपिंग है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, देन वी विल कंक्लूड. तो ये एक स्ट्रक्चर हमारा 1.2 के लिए बनता है, आंसर के लिए स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम एकदम स्ट्रक्चर में लिखेंगे. व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द राइटिंग इन द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये होता है कि हमें अगर स्ट्रक्चर पता हो कोई भी सिलेबस के टॉपिक का, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है, देन हम कैसे कर सकते हैं कि हमें रिमेंबर करने के लिए चीज़ें, हम कोई रैंडम चीज़ें हैं हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम अगर अरेंज करते हैं, इट विल बी ईजी टू रिमेंबर इट, इट विल बी ईजी टू राइट इट, इट विल बी ईजी टू चेक इट. तो तीनों चीज़ें यहाँ पे टिक हो रही है, तो इससे हमारे मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं. तो एग्ज़ाम में जब हमें एक तो हम सोच सकते हैं या लिख सकते हैं, तो ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत होती नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. इसलिए एक डायरेक्ट स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज मेन ब्रांचेस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी, देयर स्कोप एंड रिलेवेंस. इसका भी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हमारा यही बनेगा कि इंट्रो लिखेंगे हम, डेफिनेशन ऑफ द दैट ब्रांच, अगर हमें सोशल एंथ्रोपोलॉजी लिखता है, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पूछते हैं, देन वी विल राइटिंग द मीनिंग, मीनिंग, स्कोप एंड रिलेवेंस. तो हम उसका एक इंट्रो लिखेंगे, वी विल राइट द इंट्रो, वी विल राइट द मीनिंग, वो ब्रांच का मीनिंग क्या है, जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, देन वॉट ऑल कम्स इन द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, वो हम मीनिंग में देखेंगे कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या आता है. देन देर इज अ स्कोप, तो स्कोप क्या आता है.
आता अभी जैसे अगर उन्होंने पूछा है कि स्कोप ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पूछा है, देन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्कोप तो बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन हमने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से पढ़ा है, देन द न्यू कॉन्सेप्ट्स लाइक जीन एडिटिंग है, देन न्यू जीन थेरेपी है, ये सारी चीज़ें हम स्कोप में आती है जो एंथ्रोपोलॉजी, क्या क्या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड होगा। देन देर में बी ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस एसोसिएटेड विद द मेन ब्रांच, मेन ब्रांच ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी, वन ऑफ द फोर ब्रांचेस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी, बट लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इटसेल्फ हैज अनदर ब्रांचेस, जैसे सोशो लिंग्विस्टिक है या बाद में और कुछ तीन चार उसकी ब्रांचेस है, तो ये ब्रांचेस भी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, वो हम डायग्राम में दिखाएंगे, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी सेंटर में रखेंगे और उसके डायग्राम बनाएंगे, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। ब्रांचेस के बाद रेलेवेंस भी लिखना है, अभी रेलेवेंस क्या लिखेंगे, तो रेलेवेंस ऐसे लिखते हैं कि आज के एक प्रेजेंट में उसका क्या रेलेवेंस है, जैसे अगर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, रेलेवेंस क्या हो सकता है, जो रेसिज्म है, रेसिज्म का हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन इज रेस इज अ रियलिटी और इज इट अ मिथ, वो जो है हमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ने बताया है, तो वो है। लेकिन जैसे अभी न्यू मॉलिकुलर टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे अभी क्रिस्पर आया है, तो इट इज़ ऑल्सो अ रेलेवेंस ऑफ द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि हम वो कंसेप्ट पढ़ते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, तो ये सारी चीज़ें जो है हम रेलेवेंस में लिख सकते हैं। देन वहाँ पे अगर कोई आपको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल कुछ भी, अभी जैसे जीन एडिटिंग हुआ है, चाइना का एक एग्जाम्पल हम देख रहे थे, चाइना में किसी ने जीन एडिटिंग किया है, तो वो रेलेवेंस में आएगा, वो एक करंट आपका जुड़ गया, तो आपके वो मार्क्स वहाँ पे बढ़ सकते, देन कंक्लूड करिए, आप अच्छे से कंक्लूड करिए, जिससे आपका आंसर एक होलिस्टिक हो जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, तो ऐसे एक हमारा ये स्ट्रक्चर हो जाता है। देन वी विल डायरेक्टली 1.4 टू 1.8 वी विल सी आफ्टर शॉर्ट पीरियड, वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जो सोशल का सोशल के टॉपिक्स है, जैसे 2.1 2.2 चैप्टर 2 टू चैप्टर 8, इसका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, जो सोशो कल्चरल के टॉपिक्स है, जैसे टॉपिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनके लिए आप सोर्सेस जो है, सोर्सेस भी आप लिख सकते हैं। सोर्सेस जो मैंने रेफर किए थे, ये जो सोर्सेस है, एनके वैद सर का एक बुक है, इन सर्च ऑफ आर सेल्स, वो एक बुक है, देन ब्रेंट्री एक है, जो लेकिन ब्रेंट्री का मटेरियल थोड़ा सा पुराना हुआ है, तो आप वो देखिए, मुनिरत्नम के नोट्स है, मुनिरत्नम के नोट्स स्पेसिफिकली फॉर द टॉपिक 8, उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं। देन अभी विवेक भस्मे सर का बुक आया है, तो उनमें से डायग्राम है, वो डायग्राम हम वहाँ से ले सकते हैं, जो डायग्राम हमें हेल्पफुल रहेंगे। वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं, कोई थिंकर है या कोई डायग्राम है या कोई एग्जाम्पल है, क्योंकि सोशल में अगर कोई कॉन्सेप्ट है उसे एक एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, तो हम एग्जाम्पल जो है ये जो एम्बर एंड एम्बर बुक है उससे आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। देन एक कीर्ति चिकुरी जो मैम थी, शायद वो 2014 या 15 का थे, उन्होंने एक डायग्राम का कलेक्शन किया है, वो आई थिंक इनसाइट्स के साइट पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने डायग्राम का कलेक्शन, वो आप डायग्राम क्या होता है कि डायग्राम आप कम स्पेस में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए आप ये मैडम का आप नोट्स रेफर कर सकते हो। तो ये सोर्सेस हमारा सोशो कल्चरल पार्ट के लिए इतने ज़्यादा सोर्सेस है। सोशो कल्चरल का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सोशो कल्चरल में एक स्टैंडर्ड हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो में हम सोशो कल्चरल में, ये आप पेपर में ऐसा इंट्रो लिखने की ज़रूरत है नहीं, दिस इज़ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि हम इंट्रो में लिखेंगे क्या, पेपर में हमें इंट्रो बोल के इंट्रो लिखना नहीं है, तो इंट्रो हम ऐसा करेंगे कि जो भी समझो अभी मैरिज से क्वेश्चन आता है, देन वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ द मैरिज जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दी है, जैसे एडवर्ड वेस्टर मार्क ने अगर डेफिनेशन दी है, देन वी विल राइट द स्टैंडर्ड डेफिनेशन गिवन बाय हिम, तो हम ऐसे डेफिनेशन लिखेंगे। वो डेफिनेशन होने के बाद उसमें जो अगर चलो जैसे इस टाइम क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैजिक एंड साइंस या मैजिक या रिलीजन, ऐसे कुछ तो भी आता है, देन वी नो हु हैज़ गिवन द डिफरेंसेस, सर फ्रेजर हैज़ गिवन द डिफरेंसेस, फ्रेजर हैज़ गिवन द डिफरेंसेस, वो कौन से बुक से लिया है, द गोल्डन बॉ,
तो हमें पता है बुक का नाम आया, इंट्रो में ही दिखना चाहिए कि हाँ फ्रेजर हैज गिवन द डिफरेंसेस बिटवीन द साइंस एंड मैजिक इन हिज बुक द गोल्डन बाउ ही हैज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, ऐसा कुछ तो भी हम इंट्रो कर सकते हैं. द एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा ही विल गेट टू नो दैट हाँ ये जो स्टूडेंट लिख रहा है ही नोज अबाउट दिस टॉपिक. तो हम डायरेक्टली इंट्रो में बुक का नाम लिखेंगे, थिंकर का नाम लिखेंगे. आप सोशो कल्चरल में तो ये ज़्यादा से ज़्यादा थिंकर्स जितने भी है क्योंकि उनके एक जो उनका एक जो व्यू होता है उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पेपर में, तो आप वो लिख सकते हैं. तो वो लिखिए आप, मेंशन द बुक नेम और बॉडी. अभी जो सोशो कल्चरल में एक बॉडी हमारी क्या आएगी, बॉडी में हमारा क्या आएगा, जो भी मेन क्वेश्चन लिखा है अगर पूछा जाता है, जैसे अभी टॉपिक नंबर 3 जैसे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है, उनमें से अगर वो सब्सटेंटिविस्ट और फॉर्मलिस्ट की डिबेट आती है देन वी विल इनिशियली राइट द नेम ऑफ द कार्ल पोलैनी हु हैज गिवन द डिबेट. तो हम बाद में डिबेट लिखेंगे कि हाँ डिबेट थी क्या, कि सब्सटेंटिविस्ट क्या कह रहे थे और फॉर्मलिस्ट क्या कह रहे थे. तो हमारा ये बॉडी में आएगा. लेकिन बॉडी में जब हम मेन कंटेंट लिखेंगे उसके साथ हमारे एग्जाम्पल्स रहेंगे, एग्जाम्पल्स रहेंगे, केस स्टडीज रहेंगे, क्योंकि ये आपके आंसर को एक ऑथेंटिसिटी देता है. आपके आंसर जो भी आप कॉन्सेप्ट है उसको समझने में एक मदद करता है, इसलिए हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं. जैसे अभी अगर पूछता है कि टाइप्स ऑफ मैरिजेस, सो इन एवरी डिफरेंट सोसाइटी देर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज, वो तो हमें पता है. जैसे अभी नागा है तो नागा में डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस है. जौनसर बावर जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे पॉलीएंड्री है, तो वहाँ पे पॉलीएंड्री क्यों है, तो हम ये उसे केस स्टडी कहते हैं, एग्जाम्पल कहते हैं. एग्जाम्पल इसलिए हम लिखते हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में थोड़ा सा ईजी जाए. तो यहाँ पे हम कुछ डायग्राम या फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं. फ्लो चार्ट जैसे अभी अगर कोई सब्जेक्ट जो कॉन्सेप्ट है हम फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं. कोई समझो थेरी में है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस कैसे आए, जो एलएच मॉर्गन ने उसकी थ्योरी में दिया था कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई, पहले प्रोमिस्क्यूटी था, बाद में उससे प्रोमिस्क्यूटी टू मोनोगामी कैसे आया. सो देर आर डिफरेंट स्टेजेस इन बिटवीन, तो हम फ्लो चार्ट में दिखा सकते हैं. तो फ्लो चार्ट या डायग्राम में कुछ अगर चीज़ें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं तो यू शुड राइट डायग्राम या फ्लो चार्ट. ऐसा नहीं है कि हम वो कुछ ज़बरदस्ती करने जाए, अगर वो ईजिली हो रहा है, बट ये सब करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम. हम डायरेक्टली पेपर में जाके ये नहीं कर सकते, तो हम आप इसके लिए एक अलग से नोटबुक या बना सकते हैं जिसमें हम हर टॉपिक के एक डायग्राम फ्लो चार्ट ये पहले से ही बना के रखेंगे. लेकिन एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्लो चार्ट में अगर वो ट्रिवियल हो रहा है, वो पढ़ने में आपको ही डिफिकल्ट लग रहा है, तो वो फ्लो चार्ट निकालना मेरे ख्याल से वो उतना फिजिबल नहीं होगा, उससे ज़्यादा मार्क्स फेच नहीं होंगे. तो आप ये करिए यहाँ पे. वहाँ पे अभी सोशल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ वो होती है फंक्शनल रेलेवेंस. फंक्शनल रेलेवेंस क्या है, लेट्स से कि अगर क्वेश्चन आता है कि कल्चर इकोलॉजी पे क्वेश्चन आता है, कल्चर इकोलॉजी पे अगर क्वेश्चन आता है तो उसका एक फंक्शनल रेलेवेंस क्या होता है. फंक्शनल रेलेवेंस होता है कि ये कॉन्सेप्ट है तो ये एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है. हम कल्चर इकोलॉजी में पढ़ते हैं कि हाउ द मैन इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस हो गए तो मैन की लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, ह्यूमन की लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, तो हम ये पढ़ते हैं. तो अभी हमें ये कहाँ काम आ सकता है. वी अभी हमारा पेपर टू है जो ट्राइबल के बारे में है, जो ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होता है. जैसे हमने पेपर टू में कॉन्सेप्ट पढ़ा है नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जो एलपी विद्यार्थी ने दिया है, तो वो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है. कल्चर इकोलॉजी और नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स दोनों का लिंक हो जाता है. एक तो ये लिंक हुआ पेपर वन और पेपर टू का, तो एग्जामिनर को ये भी अच्छा लगेगा कि हाँ ही नोज एवरीथिंग, बिकॉज ये अगर कनेक्ट कर पा रहा है तो यू नो बेटर, सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये भी यहाँ पे एक प्रूव हो रहा है. अगर आप नेचर एनएमएस से लिंक करते हो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स से. दूसरी कल्चर इकोलॉजी हम ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं. अगर ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे ट्राइबल रजिस्ट क्यों करते हैं, हम ट्राइबल जब हम डेवलपमेंट लेके जाते हैं फॉरेस्ट को कट करने जाते हैं, सो देर इज़ अ रजिस्टेंस राइट. अभी जो डोंगरिया खोंड का जो रजिस्टेंस जो छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में होता है तो वो क्यों होता है, तो उसे समझने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट यूज आते हैं. तो इससे क्या होता है, आप जब फंक्शनल रेलेवेंस लिखते हो तो इससे होता क्या है, तो एग्जामिनर विल गेट टू नो दैट कि हाँ ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट को हम पॉलिसी यूज में कैसे यूज कर सकते हैं, ये स्टूडेंट को ये भी पता है. तो इससे आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ते हैं क्योंकि ये आपको दिखाता है कि आपको सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है.
तो ये आप फंक्शनल रिलेवेंस सोशल के पार्ट में मस्ट है लिखना, या आप जरूर लिखिए सोशल के हर पार्ट में, आप लिखिए फंक्शनल रिलेवेंस क्या आता है। देन आप कुछ चीज़ों में क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं, क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म आता है या सिग्निफिकेंस आता है। जैसे क्रिटिसिज्म इमाइल डर्खाइम ने सेक्रेड एंड प्रोफेन का कॉन्सेप्ट दिया है टॉपिक नंबर 5 में, लेकिन उसका क्रिटिसिज्म भी है कि हर जगह, ये यूनिवर्सल बात नहीं है कि हर जगह सेक्रेड और प्रोफेन हर जगह है, ये तो यूनिवर्सल बात है नहीं, तो ये हम लिख सकते हैं। तो इससे क्रिटिसिज्म, आप जब हम बोलते हैं कि अपनी एंथ्रोपोलॉजी है, इट इज़ अ होलिस्टिक ब्रांच, होलिस्टिक मतलब हम सारे चीज़ें कंसिडर करके हम डिसीजन लेते हैं, हमारा एंथ्रोपोलॉजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करता है। तो ये सब चीज़ें करते टाइम क्रिटिसिज्म भी लिखना जरूरी है। तो आप जहाँ पे क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं वहाँ पे क्रिटिसिज्म भी लिखिए, देन कंक्लूड करिए फिर बाद में आप। तो ये आपका एक होलिस्टिक एक आंसर स्ट्रक्चर बनेगा सोसाइटी के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सोशो कल्चरल पार्ट के, जो टॉपिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें हमारा सेम स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये हो गया हमारा इसके लिए। तो हम थोड़ा सा टॉपिक स्पेसिफिक देखते हैं, जैसे टॉपिक नंबर 2 है उसमें कुछ स्ट्रक्चर, जैसे बहुत लोगों को डिफिकल्ट जाता है कि यूनिवर्सलिटी ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द मैरिज, तो इस वो बहुत लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है। ये इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप एडवर्ड वेस्टरमार्क की डेफिनेशन लिखिए, बाद में आप कैथलीन गाउ की जो डेफिनेशन लिए, जो कैथलीन गाउ ने नायर सोसाइटी जो वहाँ पे स्टडी करके डेफिनेशन दी थी, देन यू राइट द डेफिनेशन गिवन बाय द नोट्स एंड क्वेरीज। नोट्स एंड क्वेरीज जो है तो यूनियन कहता है, लेकिन सबके एक्सेप्शन है, सबके एक्सेप्शन है, आप लिखिए। बाद में ऐसे सब एंथ्रोपोलॉजिस्ट को लगा कि मैरिज जो है डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट है, मैरिज सब सोसाइटी में सेम नहीं होता। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या किया, जैसे एडमंड लीच है, एडमंड लीच ने कहा कि हम मैरिज को एक डेफिनेशन में नहीं कर सकते, क्योंकि मैरिज जो है, मैरिज ने क्या कि डिफरेंट जो सोसाइटी है वहाँ पे एक जो नीड के हिसाब से मैरिज बनाया गया है। जैसे अगर अफ्रीकन सोसाइटीज है, देर इज अ मैरिज पॉलीगैनी बिकॉज वहाँ पे एक एग्रीकल्चर सोसाइटी है, तो एग्रीकल्चर सोसाइटी के लिए विमेन ज़्यादा लगेंगे ऐसा उनका मानना था काम करने के, तो वहाँ पे पॉलीगैनी है। तो ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी के हिसाब से मैरिज डिफरेंट है। तो एडमंड लीच हैज़ गिवन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द मैरिज, एंड वो 7 से 8 उन्होंने फंक्शन दिए उसके हिसाब से मैरिज, जैसे राइट ओवर ईच अदर्स प्रॉपर्टी, जैसे 7 से 8 फंक्शन दिए उसके हिसाब से उन्होंने। तो ये मैरिज इज यूनिवर्सल थिंग, बट उन्होंने वो फंक्शन के हिसाब से ये किया है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं मैरिज या फैमिली के जो टॉपिक है वहाँ पे हमें पता है, जैसे अभी मोनोगमी है, मोनोगमी हम दिखा सकते हैं कि ये मेल होता है, देन दिस इज द मैरिज एंड दिस इज फीमेल। ये डायग्राम जो है ये ड्रॉ करनी चाहिए। पॉली एंड्री होता है, तो पॉली एंड्री देर आर 2 मेल्स, तो ये हम ऐसी जो डायग्राम्स है वो मैरिज में बनेगी, फैमिली में बनेगी, किनशिप में बनेगी, तो ये डायग्राम हमें निकालनी है। दिस आर मस्ट, जो ये आपको वो कीर्ति चकुरी मैम की बुक से भी मिलेंगे और बहुत सारी बुक्स जो है स्टैंडर्ड नोट्स जो है ये डायग्राम दी गई है, तो आप जहाँ पे भी ये निकाल सकते हो ये आप डायग्राम निकालिए। देन जो मैरिज फैमिली किनशिप ये जो 3 टॉपिक है, अभी इन पे थोड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने पूछना कम किया है, लेकिन ये जितने भी टॉपिक है आप यहाँ पे केस स्टडी एग्जांपल हर जगह लिखिए। अगर उन्होंने पॉली टाइप्स ऑफ मैरिज पूछा है, टाइप्स ऑफ मैरिज देर आर सो मच टाइप्स ऑफ मैरिज, जो अगर पॉलीगाइनी है, पॉलीएंड्री है, वो पॉलीएंड्री का एग्जांपल वो जॉनसन बावर का है, या तोड़ा में है पॉलीएंड्री, तो आप ये सारे एग्जांपल्स लिखिए। सिर्फ एग्जाम लिख के मत रुकिए, लेकिन वहाँ पे तोड़ा में पॉलीएंड्री क्यों है, तो ये भी आप एग्जांपल एक लिख सकते हैं, जिससे आपका आंसर थोड़ा सा होलिस्टिक बनता जाएगा। तो आप ये लिखिए। बाद में इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, मीनिंग स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, ये तो है। बाद में जो फॉर्मलिस्ट सब्सटेंटिवस डिबेट, ये सारा इजी है, तो ये बहुत इजी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये अच्छे से प्रिपेयर करिए। इससे 15 मार्कर इस साल भी आया था या 20 मार्कर आ सकता है, यहाँ पे एक प्रिपेयर करिए। बाद में 4th टॉपिक है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल, उन्होंने पूछा है कि बैंड ट्राइब चिपडम किंगडम स्टेट। अभी टॉपिक का नाम देखिए कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल, अभी जितने भी बैंड ट्राइब चीफडम उन्होंने पूछा है, हम आंसर भी उसी तरह से लिखेंगे जो सिलेबस में दिया है। हम पहले इंट्रो करेंगे, इंट्रो लिखेंगे कि हाँ बैंड क्या है, हम अगर हमारे पास डेफिनेशन है देन वी विल राइट द डेफिनेशन, ओके। देन वहाँ पे सोसाइटी कैसे है, इंट्रो में हम
बैंड की अगर डेफिनेशन लिखते हैं, ये हमारा इंट्रो हो गया। देन इंट्रो के बाद हम वहां पे देखेंगे कि सोसाइटी कैसे है। सोसाइटी मतलब बैंड जो है, बैंड देर आर ओनली 100 to 150 पीपल जो है वो एक बैंड बना के रहते हैं। वो सोसाइटी में कैसे मतलब मैट्रिलिनियल है, पैट्रिलिनियल है, क्लैन कैसे है, ये सब हम सोसाइटी में देखेंगे कि कितने लोग हैं, कैसे रहते हैं। फिर सोसाइटी में और टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल। तो हम देखेंगे सोसाइटी की बात की वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसी है। पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जैसे अभी बैंड है, बैंड 100 टू 150 पीपल आर देयर एंड इट इज इजी दैट कि सब लोग सबको पहचानते हैं। सो इट इज वेरी इजी टू मेंटेन द सोशल कंट्रोल। तो हमें वहां पे एक रिजिड पॉलिटिकल सिस्टम होती नहीं है और वहां पे इतनी ज्यादा मतलब रोल स्पेशलाइजेशन होता नहीं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम अलग से मेंटेन करे। लेकिन जैसे हम बढ़ आगे जाते हैं, जैसे स्टेट आता है, स्टेट में देर आर सो मेनी पीपल, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनको अगर मेंटेन करना है तो वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम जो परमानेंट रहे। इसके लिए हम स्टेट में देखते हैं कि वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम है, जहां जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, गवर्नमेंट होता है, देन गवर्नमेंट विल मेक द लॉज टू गवर्न द पीपल। तो आप पॉलिटिकल सिस्टम आप लिखिए, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। तो पॉलिटिकल सिस्टम के बाद वहां पे सोशल कंट्रोल क्या है, सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म क्या है, जो हमारे सिलेबस में दिया है टॉपिक। सोशल कंट्रोल हम लिख सकते हैं, जैसे अगर बड़ा स्टेट है, लाइक अभी हम इंडिया है, तो इंडिया अभी तो स्टेट, तो यहाँ पे सोशल कंट्रोल क्या है कि देर आर लॉज। लेकिन जो प्रिमिटिव है, जैसे ट्राइब है, वहाँ पे तो सैंक्शंस अलग अलग रहते हैं। जैसे ट्रोब्रियंडर्स में हो या हमारे यहाँ पे जो कमार ट्राइब है, उनका अलग मैकेनिज्म है, तो वो प्रिमिटिव लोगों का अलग मैकेनिज्म है। तो यू शुड राइट द सोशल कंट्रोल, ये आपका एक आंसर का स्ट्रक्चर यही बनेगा ये टॉपिक के लिए, जो जितने भी है बैंड, ट्राइब, चिपडम, किंगडम, स्टेट। तो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। बाद में जो सोशल कंट्रोल, लॉ एंड जस्टिस इन सिंपल सोसाइटीज है, ये तो आप लिखिए, लेकिन इसमें थिंकर्स के व्यूज आने चाहिए, जैसे रेडक्लिफ ब्राउन है या मेलिनोस्की है। मेलिनोस्की जैसे बताते हैं कि ट्रोब्रियन आइलैंडर्स में क्यों लोग लॉ फॉलो करते हैं। वहां पे लोग इसलिए लॉ फॉलो करते हैं कि एक अगर मैं लॉ फॉलो करूंगा तो बाकी भी लोग लॉ फॉलो करेंगे, ये वहां पे एक फीलिंग है। तो मेलिनोस्की ने क्या एक्सप्लेन किया है या रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या एक्सप्लेन किया है, थिंकर्स के व्यू जब आप लिखेंगे तो उसको एक ऑथेंटिसिटी आएगी। तो ये टॉपिक फोर के लिए हुआ। टॉपिक फिफ्थ तो रिलीजन है। रिलीजन में एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस जो है वही लिखी है, इवोल्यूशनरी, साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल। इवोल्यूशनरी जो ईबी टेलर ने दिया है, साइकोलॉजिकल जो सिगमंड फ्राइड ने दिया है, एंड फंक्शनल जो रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की ने दिया है। तो आप लिखिए। लेकिन जो फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इन ट्राइबल एंड पिजन सोसाइटीज है, जैसे एनिमिज्म, एनिमेटिज्म, नेचुरलिज्म या टोटेमिज्म। टोटेमिज्म तो फेवरेट क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स के लिए आते हैं। तो इसमें भी हम एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लिख सकते हैं कि आप इंट्रो लिखिए, इंट्रो दीजिए कि टोटेमिज्म है क्या, देन यू कैन राइट द डेफिनेशन गिवन बाय द फ्रेजर। लेकिन वो बाद में फीचर्स लिखिए, इंट्रो लिखिए पहले कि टोटेमिज्म है क्या, देन फीचर्स में लिखिए, वहाँ पे आप फ्रेजर का डेफिनेशन लिखिए, फ्रेजर ने क्या डेफिनेशन दी, फीचर्स लिखिए, फीचर्स टोटेमिज्म में क्या क्या फीचर्स है, क्या टोटेम का क्या रोल है, क्या नहीं है, फीचर्स लिखिए। उसके बाद आप एग्जांपल दीजिए, क्योंकि एग्जांपल से आपका जो फीचर्स है वहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप एग्जांपल दीजिए या हम इसे केस स्टडी बोल सकते हैं। एग्जांपल दीजिए अरुंटा ट्राइब का, अरुंटा ट्राइब जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो इमाइल डर्खाइम ने स्टडी की है, जिसके बेसिस पे सैक्रेड एंड प्रोफेन दिया है। तो आप अरुंटा ट्राइब में जैसे चुरिंगा होते हैं, चुरिंगा है वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जो वो बिलीव करते हैं कि चुरिंगा जो है उस पे, उससे अगर कुछ किया जाए तो उसका सुपर नेचुरल पावर है उस चुरिंगा में। तो ये सारी हम चीज़ें लिख सकते हैं। और उसका फंक्शनल सिग्निफिकेंस जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वॉट इज़ द फंक्शनल सिग्निफिकेंस, हम टोटेम का फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप लिखिए। ये अपना एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, सब आंसर्स मतलब फॉर्म्स ऑफ रिलीजन में यही एक स्ट्रक्चर बनेगा अपना। देन पहले हम सेवेंथ और एट्थ कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में सिक्स्थ लेंगे। सिक्स्थ जो है कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। जो लैंग्वेज वाला टॉपिक है, इसके लिए आप सोसिन मैम के नोट्स फॉलो कीजिए। सोसिन मैम जो उनके नोट्स है, आप पर्टिकुलरली इस टॉपिक के लिए उनके नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं। नेचर, ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक, वो तो अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछना बंद किया है, लेकिन आप 10 मार्क कर आ सकता है तो आप प्रिपेयर कर लीजिए। देन रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी, जैसे जो टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनेयर, इसके लिए भी एक हम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे
पहले तो ये तो आएगा कि फील्ड ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी, आप इसमें लिखिए कि फील्ड ट्रेडिशन कैसे चालू हुआ, जैसे फ्रांच बोआस और WHR रिवर्स, फ्रांच बोआस का उन्होंने कहाँ पे एक्सपीडिशन किया, वो टोरेस स्ट्रेट एक्सपीडिशन जो है तो वो वहाँ से चालू कैसे होता है, देन वो आगे कैसे बढ़ता है, जैसे मेलिनोस की आता है तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आया, देन रेडक्लिफ ब्राउन का अंडमानीज आइलैंडर्स है तो आगे कैसे बढ़ गए, फिर इवांस प्रिचर्ड है, मार्गरेट मीड है, आगे जैसे फील्ड वर्क बढ़ गया तो आप फील्ड वर्क में ये भी करिए कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, फील्ड वर्क का इंपॉर्टेंस क्या है, फील्ड वर्क आने से एंथ्रोपोलॉजी कैसे साइंटिफिक ब्रांच बन गई तो आप ये भी एक्सप्लेन करिए। फिर टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन में जो है हम स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं कि अगर हमें चलो सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर पूछ लेता है, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आप इंट्रो में आप डेफिनेशन लिखिए कि व्हाट इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी सोर्सेस क्या होता है कि सेकेंडरी सोर्सेस हम देखते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर है या बाकी पब्लिश्ड बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, हम इससे सेकेंडरी सोर्सेस कहते हैं। इससे हम डाटा कलेक्ट करके एक थीसिस देते हैं, एक रिपोर्ट लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड अ सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप डेफिनेशन लिखिए, देन राइट द फीचर्स कि सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में होता क्या है एक्चुअली, कि हम डाटा जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है वी यूज दैट डाटा। तो ये और चलो समझो जीनियोलॉजी पूछा, तो जीनियोलॉजी में क्या क्या फीचर्स होता है, वी सेलेक्ट द ईगो। ईगो क्या होता है कि एक पर्सन जो सीनियर मेंबर है उससे हम पास्ट हिस्ट्री ट्रेस करते हैं। फीचर क्या रहता है कि हम जो इलिटरेट सोसाइटीज है उसमें हम डाटा अगर हम कलेक्ट करने जाए तो वी कलेक्ट द डाटा अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये फीचर्स आएंगे, फीचर्स वी विल राइट बाय 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखेंगे। बाद में क्या होता है उसके मेरिट्स आएंगे, लेट्स से दे आस्क द क्वेश्चन अबाउट द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके क्या मेरिट्स है, मेरिट्स है कि मुझे फील्ड पे नहीं जाना पड़ा है डाटा कलेक्ट करने के लिए, मैं अगर समझो इफ देर इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट द डाटा ऑन द फील्ड तो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज द बेस्ट वे। तो हम वो मेरिट्स 1, 2, 3 ऐसे कुछ तो भी लिखेंगे, और उसके बाद डीमेरिट्स भी रहेंगे क्योंकि अगर कोई पूछता है तो डीमेरिट्स भी रहेंगे। जैसे डीमेरिट्स सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के डीमेरिट्स क्या कह सकते हैं कि डाटा ऑथेंटिकेट हो नहीं सकता, जीनियोलॉजी में ये कह सकते हैं कि वो डाटा भी वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहा है, तो अगर कोई ईगो हमने जो सेलेक्ट किया सीनियर मेंबर सेलेक्ट किया है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट हमें अगर पता नहीं हो वो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। तो ऐसे डीमेरिट्स भी है, राइट द डीमेरिट्स। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे एग्जांपल्स लिखिए, एग्जांपल्स लिखना बहुत जरूरी है। अगर सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का बेस्ट एग्जांपल है कि क्राइसेंथेमम स्वॉर्ड जो रथ बेनेडिक्ट ने लिया है, लिखा है वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में, वो वहां पे जापानीज कल्चर जो है, जापानीज कल्चर का जो पूरा नॉलेज है उन्होंने न्यूज़पेपर के क्लिपिंग से लिया था। सो इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी, जैसे आप इसके लिए क्वेश्चनियर का एग्जांपल हो सकता है या बाकी जो भी टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन है, लिस्ट लाइफ हिस्ट्री है, ओरल हिस्ट्री है, तो इसका आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल के बाद आप कंक्लूड करिए तो एक बेस्ट अपना एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो जितने भी टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन है कोई भी आने दो, हम यही स्ट्रक्चर से लिखेंगे तो हमारा एक स्टैंडर्ड आंसर बन गया। तो ये हुआ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है कि थेरीज का पार्ट, थेरीज हम देखेंगे। थेरीज के लिए सोर्सेस आप ये कर सकते हैं कि ई पाठशाला मुझे बहुत अच्छा सोर्स लगता है, वहाँ पे वीडियोस भी है, वहाँ पे नोट्स भी है, तो आप वो नोट्स रेफर करिए आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े। माखन झा की जो बुक है वहाँ पे भी दिया है तो आप वो बुक भी देख लीजिए, थोड़ा सा स्कैन थ्रू कर लीजिए। ये दोनों बहुत अच्छे सोर्सेस माने जाते हैं। और वैल्यू एडिशन आप सचिन गुप्ता जो पिछले साल टॉपर थे तो ऑल इंडिया रैंक जिनका 3 था उनसे आप एग्जांपल्स थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं तो वो आपका वैल्यू एडिशन वहाँ से हो जाएगा। और फिर दूसरे कुछ बुक से आपका अगर वैल्यू एडिशन होता है तो आप वो करिए। और इसके लिए आंसर स्ट्रक्चर जैसे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कि इंडिविजुअल थिंकर जो है एक वो टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब समझो अगर कल्चर पर्सनालिटी स्कूल है दे कैन आस्क अबाउट द मार्गरेट मीड जो इंडिविजुअल थिंकर है, और डायरेक्टली दे विल आस्क अबाउट द कल्चर पर्सनालिटी स्कूल। तो कल्चर पर्सनालिटी स्कूल में तो बहुत सारे थिंकर्स है और इंडिविजुअली वो मार्गरेट मीड पे भी पूछ सकते हैं तो वो एक होगा। तो हम ऐसा एक अगर इंडिविजुअल थिंकर पूछा जाए, लेट्स से मार्गरेट मीड दे आस्क अबाउट, देन उसमें हम अगर स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे कि इंट्रो में लिखेंगे
इंट्रो में लिखेंगे कि मार्गरेट मीड जो है शी बिलोंग्स टू द कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल. कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल में क्या एक्सप्लेन कर देगी, हाउ पर्सनैलिटी डेवलप्स अकॉर्डिंग टू द कल्चर, जो कल्चर है उससे पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, ये उसमें लिखते हैं. उसके बाद इंट्रो के बाद बेसिक प्रीमाइसिस, ये होगा हो गया हमारा इंट्रो. उसके बाद आप बेसिक प्रीमाइसिस लिखिए. बेसिक प्रीमाइसिस क्या है, 1, 2, 3, 4 बेसिक प्रीमाइसिस ऐसे होते हैं कि उन्होंने मार्गरेट मीड ने कैसे दिया है कि अगर एक कल्चर है, समझो कोई भी कल्चर है, इंडियन कल्चर है, तो इंडियन कल्चर में पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, तो इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन द पर्सनैलिटी, और इंडिविजुअल कैसे एक कल्चर का एक प्रोडक्ट होता है, ऐसे आप उनके बेसिक प्रीमाइसिस एक्सप्लेन कीजिए. बेसिक प्रीमाइसिस आप हेडिंग डायरेक्टली डाल सकते हैं, इंट्रो आप मत डालिए हेडिंग, बट बेसिक प्रीमाइसिस आप हेडिंग डाल सकते हैं. उसके बाद आप उनका कंट्रीब्यूशन लिखिए थ्योरी के, मतलब कल्चर पर्सनैलिटी थ्योरी के लिए वो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, मार्गरेट मीड का कंट्रीब्यूशन क्या है. तो मार्गरेट मीड का कंट्रीब्यूशन कैसे है कि उन्होंने जो दो उनकी स्टडीज है, कमिंग ऑफ एज इन सामोआ, कमिंग ऑफ एज इन सामोआ उन्होंने लिखा है. कमिंग ऑफ एज इन सामोआ में क्या किया है कि अमेरिकन सोसाइटी एंड सामोअन सोसाइटी, इनमें एडोलेसेंस कैसे है, तो ये उन्होंने थोड़ा सा लिंक किया है. तो आप वो एक्सप्लेन करिए कि कमिंग ऑफ वो क्या है. वो अभी ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. 10 मार्क का क्वेश्चन है तो थोड़ा हम ट्रिम करेंगे, थोड़ा हम कम लिखेंगे. लेकिन अगर ज़्यादा पॉइंट्स लिखेंगे आप, मतलब पूरा लिखेंगे, थोड़ा सा कम लिखिए बट मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने का ट्राई कीजिए, तो एक होलिस्टिक आपका आंसर बन जाएगा. एक तो हुआ कमिंग ऑफ एज इन सामोआ, सेकेंड उनका क्या है, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन द थ्री सोसाइटीज, जो थ्री सोसाइटीज है आरापेस, चंबोली एंड मुंदुकुमोर, ये तीन सोसाइटी में उन्होंने कंपेयर किया था कि वहाँ पे कल्चर क्या है एंड उसके हिसाब से पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है. तो वो जो है हम वो देख सकते हैं कि उनका कैसे है. तो ये तो हुआ कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन ये हमारा सब बॉडी में आ रहा है. ये इंट्रो हुआ हमारा बॉडी में. हमने पहले बेसिक प्रीमाइसिस लिखे, बाद में कंट्रीब्यूशन लिखा, बाद में हम लिखेंगे कि फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है. फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है ये थ्योरी का, अगर मार्गरेट मीड ने कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल में थ्योरी दी है तो उसका फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या है. फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऐसे होगा कि ये कल्चर पर्सनैलिटी से हम कोई भी कल्चर लेके वहाँ की पर्सनैलिटी ये कर सकते हैं. जैसे ये टाइम क्वेश्चन आया था नेशनल कैरेक्टर स्टडी पे. नेशनल कैरेक्टर स्टडी पे क्वेश्चन इसी स्कूल से आया था. नेशनल कैरेक्टर स्टडी में हम क्या करते हैं कि एक नेशन है, लेट से जापानीज जो एक हम बोलते हैं कि टॉयलेट प्रैक्टिसेस बोल के, वो वर्ल्ड वॉर टू में चल रहा था, टॉयलेट प्रैक्टिसेस में वो बच्चों को सिखाते थे, बच्चों को एक ट्रेनिंग देते थे, तो वो वॉर के लिए रेडी होने के लिए ट्रेनिंग देते थे. या रशियन प्रैक्टिसेस स्वैडलिंग, जो एक छोटा जो बच्चा अगर पैदा होता है तो उसे स्वैडल करके रखते हैं, तो वो रेज जो हम बोलते हैं वो उसमें ज़्यादा आता है. तो वो जो स्टडी है तो वो हुआ है. सो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल. तो ये फंक्शनल सिग्निफिकेंस है कि ये थ्योरी दी हुई है तो इसका कहाँ पे भी एप्लीकेशन. थ्योरी दी गई इसलिए है बिकॉज इट इज एप्लीकेबल. हम कोई एक सोशल फिनोमिनॉन स्टडी करने के लिए हम थ्योरी दे रहे हैं. तो यहाँ पे एक हो गया नेशनल कैरेक्टर स्टडी. अभी हमारे इंडिया में प्रॉब्लम आता है नक्सलिज्म का, तो नक्सलिज्म का प्रॉब्लम क्या है, उनकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हुई, तो वो भी हम उनका कल्चर क्या है उससे हम एक स्टडी कर सकते हैं. सो इट हैज पॉलिसी इंप्लीकेशन. तो दीज आर द थिंग्स विच विल इंक्रीज योर मार्क्स, या आपके मार्क्स थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो आप वो एक्सप्लेन करिए. उसके बाद क्रिटिसिज्म भी आएगा, किसी ने क्रिटिसाइज भी किया होगा. तो मार्गरेट मीड की जो थ्योरी है उसे किसी ने क्रिटिसाइज भी किया होगा, तो क्रिटिसिज्म भी लिखिए. उसके बाद आप कंक्लूजन कर दीजिए कि हाँ, दिस इज द कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल, उनका एक एंथ्रोपोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन है, एंथ्रोपोलॉजी एज अ ब्रांच कैसे ग्रो हुई है उनके एक कंट्रीब्यूशन से. तो ये हुआ अपना होलिस्टिक आंसर. तो हम कोई भी थिंकर, जैसे मेलिनोस्की आता है फंक्शनलिज्म में से, तो वी विल राइट द इंट्रो, मेलिनोस्की बिलोंग्स टू द फंक्शनलिज्म स्कूल, ही हैज गिवन द बायोलॉजिकल फंक्शनलिज्म, ही हैज गिवन द थ्योरी बेस्ड ऑन द नीड्स. देन वी विल राइट हिज बेसिक प्रीमाइसेस की नीड्स इंडिविजुअल कैसे होती है, देन इंडिविजुअल नीड्स से कैसे कल्चर बनता है. देन वी विल राइट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन कि ट्रोब्रियंड आइलैंडर्स में क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो बुक्स दी है, तो आर्गोनॉट्स ऑफ पैसिफिक वो बुक्स का लिखेंगे. देन वी विल राइट हिज फंक्शनल सिग्निफिकेंस कि फंक्शनलिज्म कैसे कर सकते हैं, और क्रिटिसिज्म लिखेंगे एंड कंक्लूड करेंगे. सो विच एवर थिंकर दे विल आस्क, वी विल राइट द सेम स्ट्रक्चर. तो इट विल बी वेरी इजी टू राइट. अगर दूसरा इसमें क्वेश्चन बी बनता है कि फॉर अ थ्योरी,
लेट्स से दे आस्क अबाउट द फंक्शनलिज्म और कल्चर पर्सनैलिटी और कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी या मटेरियलिज्म, कोई भी थ्योरी पूछे, तो उसका भी हम इसी तरह से बना सकते हैं कि आप बेसिक प्रीमाइसेस लिखिए थ्योरी के, इंट्रो करिए कि एक्चुअल में थ्योरी है क्या, अगर फंक्शनलिज्म है तो फंक्शनलिज्म में है क्या, तो आप इंट्रो में थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि ओके फंक्शनलिज्म इज दिस दिस दिस, और फंक्शनलिज्म में दो मेन थिंकर्स है, मेलिनोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन, ये हमारा इंट्रो हो गया। बेसिक प्रीमाइसेस लिखेंगे फंक्शनलिज्म में क्या है, हम बेसिक 1, 2, 3, 4 बेसिक प्रीमाइसेस लिखेंगे। उसके बाद हम इंडिविजुअल थिंकर्स लिखेंगे, जैसे फंक्शनलिज्म में दो थिंकर्स है, मेलिनोस्की एज वेल एज देर इज अ रेडक्लिफ ब्राउन। कल्चर पर्सनैलिटी में बहुत सारे है, रथ बेनेडिक्ट है, मार्गरेट मीड है, अगर वो क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म पूछते हैं तो उसमें ई बी टाइलर है, एल एच मॉर्गन है, तो उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल थिंकर का। तो इंट्रो हो गया, इंट्रो के बाद बॉडी में बेसिक प्रीमाइसेस हमने लिख दिए, उसके बाद हम इंडिविजुअल थिंकर्स का हम लिख रहे हैं, उसमें फ्लोचार्ट आप डायग्राम जहाँ पे भी बन सकती है, जैसे इसमें डिफ्यूजनिज्म अगर है, डिफ्यूजनिज्म में हमें पता है कि देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द कल्चर सर्कल एंड कल्चर एरिया, तो हम उसमें डायग्राम बना सकते हैं कुछ, तो ऐसे डायग्राम बनेगी कुछ, तो हम वो इसमें बना सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप डायग्राम फ्लोचार्ट बना सकते हो ईजिली, देन मेक इट, तो उसके लिए कर सकते हैं। बाद में राइट द सिग्निफिकेंस, जैसे हमने यहां पे भी फंक्शनल सिग्निफिकेंस लिखा था, देन पर्टिकुलर थ्योरी है सिग्निफिकेंस जो थिंकर्स ने दी है, तो हम वो सिग्निफिकेंस लिखेंगे कि वहां कहां कहां यूज होता है, देन वी विल राइट द क्रिटिसिज्म और कंक्लूड कर देंगे। तो ये हमारा थ्योरी के लिए हुआ, थ्योरी के लिए। और जो सोशल पार्ट जो हमने बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टॉपिक्स देखे है, तो इसके लिए एक है कि राइट द एग्जैक्ट डेफिनेशंस जहां पे भी है, मेंशन थिंकर्स नेम, बुक नेम, आप एग्जांपल्स, केस स्टडीज जितना ज्यादा लिख सकते हो उतना ज्यादा लिखिए, और आंसर्स जो है आप हेडिंग लिखिए बेसिक प्रीमाइसेस, सिर्फ इंट्रो और कंक्लूजन ये हेडिंग छोड़ के आप सब लिख सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल सिग्निफिकेंस, क्रिटिसिज्म क्या है, ये सारी आप थियरीज लिखिए, इससे आपका एक आंसर जो है अच्छा बनेगा। देन सिग्निफिकेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोशल पार्ट, राइट सिग्निफिकेंस वेर यू कैन। तो ये हमारा एक सोशल का सारा पार्ट खत्म होता है। हम फिजिकल का देखते हैं अभी, फिजिकल के जो 9, 10, 11, 12 ये जो चार टॉपिक है, दे आर वेरी स्कोरिंग, तो हमें इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारा पेपर वन में जो होता है सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन रहते हैं, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन रहते हैं, उनमें से जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन रहेंगे, 1 कंपलसरी है, 5 कंपलसरी है, बाद में जो बाकी के ये क्वेश्चन है इनमें से हमें 3 लिखने हैं, और कोई भी एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन लिखने हैं। लेट से मैं इनमें से 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, 6 और 7, और इनमें से 1 क्वेश्चन लिखता हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करिए कि फिजिकल के क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि फिजिकल थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमें ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, सोसाइटी में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगती है, इससे वहाँ पे हमें थोड़ा सा कम मार्क्स आएंगे, तो राइट द फिजिकल वंस, ओके, तो ये हम फोकस करेंगे। तो अभी हमारा जो फिजिकल का है, जैसे टॉपिक नंबर 9, 10, 11, 12, इसके लिए हम सोर्सेज जो है बेस्ट है, तो पीनाथ का बुक है, पीनाथ हमने देखा है, पीनाथ के बाद पीनाथ मुझे अच्छा लगता है। बाद में जो विवेक भस्मे का बुक आया है मार्केट में, उससे हम थोड़ा सा डायग्राम वगैरह ले सकते हैं जो फिजिकल के लिए थोड़ा सा काम आ सकता है। बाद में वैल्यू एडिशन आप मुनिरत्नम के नोट्स से कर सकते हैं वैल्यू एडिशन, और सचिन गुप्ता के नोट्स जो है, एग्जांपल्स, डाटा जो लास्ट टाइम के टॉपर है उनके नोट्स से आप कर सकते हैं, या अभी जैसे मैं टॉपिक वाइज बता दूंगा कि डाटा हमें कहाँ से लेना है। तो फिजिकल के लिए तो एक स्टैंडर्ड हम ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि आप इंट्रो लिखिए, इंट्रो में आप डेफिनेशन लिखिए, अगर समझो जीन थेरेपी, इफ दे आस्क द क्वेश्चन फॉर 10 मार्कर फॉर द जीन थेरेपी, देन राइट द डेफिनेशन ऑफ द जीन थेरेपी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज 10 मार्क के लिए आप बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करिए, 10 मार्क के लिए आप डायरेक्टली आंसर करिए, 15-20 मार्कर होता है तो थोड़ा सा लिख सकते हैं। द स्टैंडर्ड आप ये लिखिए कि 10 मार्कर के लिए इंट्रो होगा 3-4 लाइन का, 15 मार्कर या 20 मार्क के लिए इंट्रो होगा 4-5 लाइन का, तो ऐसा एक हमारा पैटर्न रखिए। और बॉडी में आप लिखिए, बॉडी में जो होता है तो बॉडी में आप लिखिए
क्या मेन कंटेंट जो पूछा है, जैसे इस टाइम उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि एडेप्टेशन फॉर द हाई अल्टीट्यूड और एडेप्टेशन फॉर द कोल्ड क्लाइमेट, तो आप डायरेक्टली लिखिए बॉडी में कि क्या क्या एडेप्टेशन है, पॉइंट 1, 2, 3, 4। लेकिन ये जब हम फिजिकल में लिखते हैं, फिजिकल में डायग्राम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाता है या फ्लो चार्ट का इंपॉर्टेंस बन जाता है, तो आप जहाँ पे भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करिए। और इसमें भी केस स्टडीज हैं, जैसे अभी यहाँ पे ये हम इनोवेशन ऐसा कर सकते हैं, लिंक द फिजिकल पार्ट टू द सोशल पार्ट। लेट से दे आस्क द क्वेश्चन अबाउट द एडोलेसेंस, एडोलेसेंस जो टॉपिक नंबर 10 में है। अभी एडोलेसेंस अगर क्वेश्चन पूछते हैं, देन हम ऐसा कर सकते हैं कि एडोलेसेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देन वी विल राइट द केस स्टडी फ्रॉम द टॉपिक नंबर 6 जो थेरीज में मार्गरेट मीड ने दी है कि एडोलेसेंस का उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी एंड सामोअन सोसाइटी में, थोड़ा सा सामोआ जो सोसाइटी है पैसिफिक में, वहाँ पे कंपेयर किया है, तो वी विल राइट दैट एग्जांपल। वो क्या हुआ, पेपर वन का फिजिकल पार्ट और सोशल पार्ट लिंक हो गया। सो दिस शोज कि आपको बहुत ज़्यादा पता है, तो उससे भी मार्क्स हमारे बढ़ेंगे। तो वी विल राइट, इंटरलिंकेजेस हम डेवलप करेंगे बाद में, वहाँ पे भी केस स्टडीज एग्जांपल्स होंगे। अगर जैसे एग्जाम आता है कि ट्विन स्टडी पे क्वेश्चन आता है, तो हम वी विल राइट द शिकागो वाला केस स्टडी जो पीनात में दिया है, तो हम वैसे केस स्टडी लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे। देन यहाँ जैसे हम सोशल में फंक्शनल सिग्निफिकेंस लिखते थे, यहाँ पे आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कुछ जैसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे जीन थेरेपी हो, जीन एडिटिंग हो जो आप, या जेनेटिक काउंसलिंग का एप्लीकेशन किस में आता है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द जेनेटिक डिसीजेस। अगर हमें पता है कि दो पेरेंट में वो रिसेसिव ट्रेट है, देन वी कैन टेल देम दैट यू शुड नॉट मैरी, तो वो एक एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में आप जरूर लिखिए, जितने भी फिजिकल के क्वेश्चन हैं, जहां पे भी, लेट्स से देर इज अ क्वेश्चन अबाउट द स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी, देन एप्लीकेशन क्या बनता है, एप्लीकेशन तो वो द टॉपिक इटसेल्फ इज एप्लीकेशन ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। तो अगर हमें स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन में आप करंट लिंक कर सकते हो। करंट कैसे लिंक करेंगे हम, कि करंट में क्या डेवलप हुई है उससे, क्योंकि फिजिकल हमेशा न्यूज में रहता है, तो उसमें करंट की थोड़ी सी डेवलपमेंट होती रहती है। लेट्स से देर इज अ क्वेश्चन अबाउट द स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी, अभी हमने देखा था कि स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी में द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द प्रोग्राम ऑफ द खेलो इंडिया, तो खेलो इंडिया में भी कुछ हो सकता है क्या एंथ्रोपोलॉजी का यूज। देन लेट से अभी जब हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स थे ऑस्ट्रेलिया में, तो हमारा जो इंडियन क्रू था, इंडियन जो स्पोर्ट्समैन थे, एक वीक पहले गए थे क्योंकि एक्लिमेटाइजेशन के लिए, तो वो स्पोर्ट्स में यूज हुआ एंथ्रोपोलॉजी का नॉलेज, तो ये हुआ। तो हम ऐसे एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अभी हम जैसे सोशो कल्चरल के पार्ट को लिंक कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक नंबर 11 में जब मेनार्च या मेनोपॉज पे क्वेश्चन आता है, देर आर सोशल स्टडीज, जैसे इरुलिगा ट्राइब है या नेपाल में जैसे स्टडी होती है, तो जो बायोलॉजिकल फिनोमेनन विच इज मेनार्च, वो सोसाइटी से लिंक्ड है कि सोसाइटी में जो राइट्स ऑफ पैसेज जो बोलते हैं, राइट्स ऑफ पैसेज जो गैनेप ने कंसेप्ट दिया है, वो फिजिकल के पार्ट से लिंक होता है। तो यहाँ पे भी हमें चांस है कि हम सोसाइटी और फिजिकल से लिंक करें, विच विल इंक्रीज आवर मार्क्स। तो जहाँ पे भी हो सकता है वो करिए और कंक्लूड कर दीजिए। तो इंट्रो लिखिए, बॉडी में आप जो मेन कंटेंट पूछा है वो लिखिए, देन राइट द जहाँ पे भी डायग्राम बनेगी वो डायग्राम बनाइए, एप्लीकेशन लिखिए, एंड देन कंक्लूड। और सोशल का लिंक अगर बनता है कुछ, देन राइट द सोशल लिंक एंड देन कंक्लूड, तो ये हमारा बनेगा। तो ये फिजिकल में हम टॉपिक वाइज अगर देखें, टॉपिक वाइज इजी है, लेकिन टॉपिक नंबर 11 में हमें एक कर सकते हैं कि जब हमें ये टॉपिक नंबर 11 में पॉइंट है, बायोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिकंडिटी फर्टिलिटी नेटलिटी, जैसा ही उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा था, तो हम इसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा यूज कर सकते हैं। जैसे हम ये लग सकते हैं कि एजुकेशन जो है, सोशल फैक्टर्स बोला है ना, तो एजुकेशन जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है, देर इज अ टोटल फर्टिलिटी रेट जो हम बोल सकते हैं, जिससे हम फर्टिलिटी हम एनालाइज कर सकते हैं, तो वो कम होता है। जैसे केरला में है, केरला में TFR इज अराउंड 1.8 एंड बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 3.1 या 3.2 ऐसा कुछ तो भी है। सो देर इज मोर फर्टिलिटी रेट इन द बिहार, तो ऐसा हम कंपेयर कर सकते हैं। तो NFHS का आप लिखिए, तो ये टॉपिक नंबर 11 में हम कर सकते हैं और ये करना चाहिए। और बाद में टॉपिक नंबर 12 में
ट्वेल्थ में आप करंट के एग्जांपल्स लिखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर ये पूछता है कि एंथ्रोपोमेट्री जैसे इसका एक टॉपिक का पॉइंट है, इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च द गगनयान। हम 2022 में अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम, इसरो ने भी बोला है कि हम वी विल लॉन्च द गगनयान इन 2022। तो गगनयान के लिए हमें जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनके लिए पार्शियल प्रेशर सूट लगेगा। तो ये आप गगनयान का एग्जांपल लिखिए कि हाँ वी विल नीड द पार्शियल प्रेशर सूट, सो दैट्स व्हाई एंथ्रोपोमेट्री इज वेरी यूजफुल फॉर डिजाइनिंग इट। तो ऐसे आप करंट के एग्जांपल्स अगर लिखते हो इट विल इंक्रीज योर मार्क्स। तो ये हमारा फिजिकल हुआ। फिजिकल में ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम जितना ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जांपल्स एप्लीकेशंस लिखिए एंड मैक्सिमम ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम द फिजिकल। फिजिकल से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर लिखिए, बीटिंग अराउंड द बुश या दूसरा ही कुछ कॉन्सेप्ट मत लिख के आइए, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई टू लिंक विद द सोशल पार्ट, तो आपका दोनों का मार्क्स बढ़ जाएगा। देन हमारा उससे अभी सब तो सिर्फ एक बचता है कि आर्कियोलॉजी का पोर्शन। जो आर्कियोलॉजी का पोर्शन में फॉसिल्स जो है बहुत लोगों को डिफिकल्ट जाता है, तो फॉसिल्स का हम लास्ट में, सबसे लास्ट में हम स्ट्रक्चर देखेंगे फॉसिल्स का। अगर कोई भी फॉसिल पूछते, लेट्स से नियांड्रतल पूछते हैं, ये 1.6 में हमें जितने फॉसिल्स हैं, नियांड्रतल है या रोडेशियन मैन है, कोई भी पूछेंगे, तो हम डायरेक्टली एक, हमारे पास डायरेक्ट एक स्ट्रक्चर है, हम इंट्रो में लिखेंगे फॉसिल कहाँ पे मिला। अगर नियांड्रतल है तो नियांड्रतल वैली इज इन जर्मनी, तो वी विल राइट कि नियांड्रतल, हाँ ये यहाँ यहाँ मिला है। नियांड्रतल में दो है, एक प्रोग्रेसिव है एक क्लासिकल है, तो वो लिखेंगे हम कि नियांड्रतल यहाँ यहाँ मिला है। डिस्कवर किसने किया है, नियांड्रतल को डिस्कवर किसने किया है, या बाकी जो फॉसिल्स है, बाकी जितने भी अपने फॉसिल्स उन्होंने दे रखे है सिलेबस में, हम वो देखेंगे कि वो कहाँ डिस्कवर हुए हैं। आप पहले ये लिखिए कि कहाँ पर मिला है, देन राइट जो कौन से जो पैलियंटोलॉजिस्ट थे किसने फाइंड किया है, देन राइट कि ज्योग्राफिकल टाइम स्केल क्या थी। जैसे होमो इरेक्टस वॉज इन बिटवीन 1.28 मिलियन ईयर्स अगो 2.12 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये है। तो आप एक टाइम स्केल लिखिए कि वो जो फॉसिल था, जैसे होमो इरेक्टस है विच वॉज अलाइव बिटवीन दिस पीरियड, तो आप इंट्रो में सारी ये चीजें इंट्रोड्यूस कर दीजिए। और देन ऑल्सो राइट कि वो व्हाट वाज फाउंड, जैसे किसी जो स्कल मिलता है या बोन्स मिलते हैं वो भी आप लिखिए, वो आपका इंट्रो बन गया। देन यहाँ पे जो है स्पेशली फॉर द दिस आर्कियोलॉजिकल पार्ट, जो फॉसिल्स है, डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपने निकालनी ही चाहिए जिससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं, एंड दिस इज वेरी ऑब्जेक्टिव पार्ट विच विल एनहांस योर मार्क्स। यहाँ पे दो डायग्राम बनेगी, एक तो स्कल की बनेगी, जैसे इफ द क्वेश्चन इज अबाउट द होमो इरेक्टस एज वेल एज नियांड्रतल, आपकी स्कल की डायग्राम बनेगी, और एक होगा ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, लेट से नियांड्रतल का हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड का करेंगे। बहुत ईजी मैप है, दिस इज द मैप ऑफ अफ्रीका, ये यहाँ पे आता है। देन यहाँ पे ये अपना सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पे इंडिया जाता है, इंडिया जाके मैप, इट इज़ वेरी इजी। जैसे यहाँ पे हम ऐसे करके ये हमारा यूरोप बन गया, तो इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ द मैप। हमें कोई पॉइंट टू द स्केल मैप नहीं निकलना चाहिए, बट अफ्रीका शुड लुक लाइक अफ्रीका, इंडिया शुड लुक लाइक इंडिया। ज़्यादा मतलब अफ्रीका साउथ अमेरिका जैसा लग रहा है ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमें एक जो हम एक मिनट में हमें ड्रॉ करना है, देन वी शो द डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर होमो इरेक्टस है तो इंडिया भी मिलता था, यहाँ पे भी मिलता था, यहाँ पे भी मिलता था, देन वी विल शो द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये इसके मार्क्स मिलते हैं हमें, तो वी शुड ड्रॉ द डायग्राम। तो ये हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देन बॉडी में हमारे आएगा कि लेट्स से होमो इरेक्टस दे आस्क अबाउट, देन वी विल राइट द फीचर्स कि होमो इरेक्टस के फीचर्स क्या थे। होमो इरेक्टस फीचर्स जो उसका स्कल कैसा था, उसका स्कल कैपेसिटी, क्रैनियल कैपेसिटी क्या था, देन हाउ आर द बोन्स, फिर फोरहेड कैसा था, वो सारी चीजें हम इसमें बॉडी में लिखेंगे। फिर फीचर्स के बाद हम फाइलोजेनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइलोजेनी क्या होता है कि जब इवोल्यूशन हो रहा था, हमारे पास ऐसा डायरेक्टली प्रूवन ये नहीं है कि हाँ पहले ये आया, बाद में होमो इरेक्टस आया, होमो इरेक्टस से नियांड्रतल आया, नियांड्रतल से होमो सेपियंस आए। ये ज़्यादा मतलब इसमें बहुत सारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट पैलियोंटोलॉजिस्ट है, इन्होंने फाइलोजेनी दी है कि हाँ ये इवोल्यूशन ऐसा 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 हुआ है। देन जो कोई टू ब्रांच थ्योरी होती है, कोई थ्री ब्रांच थ्योरी होती है, तो आप फाइलोजेनी जरूर लिखिए। फाइलोजेनी बहुत सारे बुक्स में दिया भी हुआ है उन्होंने। फिर उन्होंने उनका लिखिए कल्चर क्या था,
जो जितने फॉसिल्स थे उनका कुछ तो भी कल्चर था, जैसे होमो इरेक्टस थे, होमो इरेक्टस का क्या कल्चर था, तो चॉपर चॉपिंग कल्चर था, वहां पे जो टूल्स मिले उनकी डायग्राम निकालिए, वहां पे डायग्राम निकालिए, और बाद में लिखिए कि उसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या था, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या था, ये बहुत मस्ट है, यू शुड राइट द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। तो फीचर्स लिखेंगे, फाइलोजेनी लिखेंगे, कल्चर लिखेंगे, और इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या था उस फॉसिल का, वी विल राइट दिस। ये आपका एक होलिस्टिक आंसर बन जाएगा, एंड देन कंक्लूड कि इसका कोई कंटेम्प्रेरी लिंक है, जैसे होमो इरेक्टस का कुछ तो भी अभी फॉसिल मिला था तो उसका कुछ तो भी कंटेम्प्रेरी लिंक हम लिख सकते हैं क्या, तो आप कंटेम्प्रेरी लिंक लिखिए। तो एक आपका एक होलिस्टिक आंसर बन गया है, तो फाइलोजेनी भी आई, कल्चर भी आया, इवोल्यूशनरी आया, तो ये हमारा आंसर एक होलिस्टिक बन गया। जहाँ पे भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम ड्रॉ करिए, जहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कोई कोट कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट कोट करिए। तो ये जो है हमारे पेपर वन की एक पूरी स्ट्रैटेजी है, मैंने पेपर बाय पेपर टॉपिक बाय टॉपिक एक स्ट्रैटेजी आपको बताई है, आप थोड़ा सा ये इम्प्लीमेंट करके देखिए। व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स, आप जब आंसर्स लिखेंगे तो आप आंसर्स लिखते टाइम एक ये जो स्ट्रैटेजी है इम्प्लीमेंट करके देखिए। रुको एक मिनट, संडे तो पूरा हुआ है, अभी सिर्फ लास्ट का मैं बता देता हूँ, तो इट विल बी इजी फॉर देम। लास्ट का मैसेज दे देते क्या कुछ हुआ है क्या? तो आप मुझे बोल दीजिए कब चालू करना है। तो हमने अभी टॉपिक बाय टॉपिक जो अभी स्ट्रेटजी देखी है, आप खुद इम्प्लीमेंट करके देखिए। जैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया है, व्हेन आई रोट द आंसर्स मैंने ये इम्प्लीमेंट किया है, पेपर में भी यही इम्प्लीमेंट किया है। तो आप घर पे जब आंसर्स लिखेंगे, जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आप टेस्ट सीरीज में ये लिखिए, ऐसा लिखिए, आप डायरेक्टली पेपर में जाके ऐसा लिख नहीं सकते, तो आपको पहले ये इम्प्लीमेंट करना होगा। तो आप घर पे इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आपको एक थोड़ा सा ईजी जाएगा, तो आप ये करिए। देन जो बुक्स है, जो सोर्सेस है, तो थोड़ा सा लिमिटेड रखिए, थोड़ा सा एक वैल्यू एडिशन, आप पहले एक कोर सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद वैल्यू एडिशन कीजिए, तो ये आपका एक पूरा एक होलिस्टिक बन जाएगा। एंथ्रो के लिए सबसे बेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर्स लिखने से थोड़ा बहुत उसका प्रैक्टिस होता है, और अभी पेपर थोड़ा सा डायनेमिक हो रहा है, तो यू शुड नो द सिलेबस एंटायरली। अगर लेट्स से कि जैसे उन्होंने ये टाइम क्वेश्चन पूछा था कि विच आर द जीन्स विच आर नेसेसरी फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, अभी ये तो सिलेबस में कुछ है नहीं, लेकिन ये हम सिलेबस में अगर देखें, अगर थोड़ा सा हमारा सोचे, तो सिलेबस में 9.1 में दिया है लीथल सब लीथल जीन्स, सॉरी 9.2 में लीथल जीन्स, सब लीथल जीन्स और सेमी लीथल जीन्स, तो वो लिखना था। तो अगर आपको सिलेबस पता है एंड इफ यू आर एबल टू रिमेंबर दैट, देन आप वो आंसर्स लिखेंगे, वो जो सही है, नहीं तो आप कुछ भी लिख के आएंगे। जो स्ट्रक्चर हमने दिया है, सब इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, डायग्राम कहाँ ड्रॉ करनी है, फीचर्स कैसे लिखने हैं, देन सिग्निफिकेंस क्या आता है, इससे एक आपका आंसर का स्ट्रक्चर एक होलिस्टिक बन जाएगा। इट विल बी इजी टू रिमेंबर, राइट एज वेल एज चेक, तो आपके मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो आप ये फॉलो करिए, एंड ट्रस्ट मी, ये मैंने भी यही फॉलो किया है, जिससे मुझे इतने अच्छे मार्क्स, जैसे मुझे एंथ्रोपोलॉजी में पेपर वन में 164 मार्क्स आए हैं एंड पेपर टू में 161 मार्क्स आए हैं, तो ऐसे मार्क्स मुझे आए थे। तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और ये स्ट्रक्चर आप आंसर्स लिखते टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है, बहुत अच्छे से आप फॉलो करिए, आप खुद भी इम्प्लीमेंट करके देखिए, इसमें आप इम्प्रोवाइज जो भी करना चाहते हैं वो आप करके देखिए। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी टू एवरीवन, एवरी कैंडिडेट, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करिए, और जितना आप हो सके उतना पढ़ाई करिए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।